अब खबरें विस्तार से। कुरुक्षेत्र में किसान यूनियन ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन के चलते सरकार और खाद कंपनियों द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि कुरुक्षेत्र में पहले किसान डीएपी खाद के लिए परेशान हुए तो अब यूरिया खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं यूनियन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को भी पत्र लिखकर कहा कि किसानों को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी द्वारा यूरिया खाद के साथ जबरदस्ती सल्फर और अन्य सामान भी बेचा जा रहा है। किसानों ने पत्र में मांग की है कि कंपनियों के इस कालाबाजारी और जबरदस्ती के धंधे को रोका जाए और खाद कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा किसानों को मजबूर होकर खुद कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। साथियों, कंपनियों की सीधी गुंडागर्दी देखिए। अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसके चलते चलते हालात देखिए कि पहले डीएपी के साथ सल्फर लगा के बेचा गया, अब जबरदस्ती यूरिया के साथ सल्फर लगा रहे हैं। 3 तारीख को एक रैक आया है शाहबाद के अंदर, और उसमें कंपनी ने एक वैगन साथ में सल्फर का भेजा, यानी कंपनी ने जबरदस्ती डीलर को दिया, डीलर ने जबरदस्ती दुकान वाले को दिया, और दुकान वाले ने जबरदस्ती सल्फर किसान को दिया। 266 रुपए का यूरिया का थैला है, उसके साथ 250 रुपए का सल्फर जबरदस्ती किसान को छेप दिया गया।